ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के पंचम स्कंध के 14वें अध्याय का 23 नंबर का गद्य। स्कंध 5 अध्याय 14 गद्य 23। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ च तस्मात् उभयथा अपि हि कर्म अस्मिन् आत्मनः संसार आवपनम् उदाहरन्ति। तो बहुत छोटा गद्य है, पीछे से आप लोग बोलिएगा, लंबा नहीं है। अथच तस्मात् उभयथापि हि कर्मस्मिन् आत्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। अथच तस्मात् उभयथापि हि कर्मास्मिन् आत्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। अथ अब च और तस्मात् इस कारण उभयथा अपि इस जन्म में तथा अगले जन्म में ही
निसंदेह है कर्म सकाम कर्म अस्मिन इंद्रिय सुख के इस मार्ग पर आत्मन जीवात्मा का संसार भौतिक जीवन का अवपनम खेत अथवा स्रोत उदाहरण्ति वेदों का वचन है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, इसीलिए विद्वत जन तथा अध्यात्मवादी गण कर्म के भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में संसारिक दुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने का आधार भूमि वही है। तात्पर्य, जीवन का मूल्य न समझने के कारण कर्मी जन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं जिनके कारण उन्हें इस जन्म में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कर्मी जन विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और वे इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक जीवन की दीन दशा का अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म चेतना को जागृत करे और अपने संपूर्ण कर्मों को श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगाए। भगवद गीता 9:27 में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है या हवन करता है, जो कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अपने कर्मों के फलों का सदुपयोग विषय भोग के लिए न करके श्री भगवान के मिशन के लिए होना चाहिए। श्री भगवान ने जीवनोद्देश्य के संबंध की सारी बातें भगवद गीता में कही है और उसके अंत में अपनी शरण में आने को कहते हैं। लोग सामान्य रूप से इसे पसंद नहीं करते, किंतु जो अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है वह अंततः श्री भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाता है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल एक भक्त पूछ रहे थे, जट भरत जी तो भवाटवी का वर्णन कर दिया, अब ये क्या वर्णन चल रहा है। समझना चाहिए कि जट भरत जी रहुगण को उपदेश दिए कि ये जो गृहस्थी का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग है और इसमें हे बुद्धि होना चाहिए और इससे विरत होने की ज़रूरत है। मैं बार बार उस श्लोक को बोला हूँ, वे कह रहे हैं कि ये गृहस्थी के सुख से अपने से ही हे बुद्धि हो जानी चाहिए। स्वप्ने निरुक्तिया गृहमेधि सौख्यम, जैसे सपना में कोई संसार बसा लिया, घर पा गया, पद पा गया, तो उसमें महत्व बुद्धि नहीं करता है, वो जानता है कि सपना का है। तो वैसे ही स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम, उसी प्रकार इस गृहस्थी के सुख में अपने से हे बुद्धि होनी चाहिए और जब तक हे बुद्धि नहीं होती है तब तक वो तत्व को नहीं समझ सकता, भगवान को नहीं समझ सकता। तो ऐसे उपदेश कर रहे हैं और ये कर्म का पंथ है या हेय है, तो कह रहे हैं कि गुरु का आश्रय लेकर के
और भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन करते हुए मानो यही तलवार है, इसी से आसक्ति को काट करके और इस मार्ग से तुम पार चले जाओ, इस रास्ते में जहाँ फंस गए हो इससे पार जाओ। और अब जिस रास्ते को पार करना है कितना यह दुखद है, कितना बंधन करने वाला है, इसका वे एक रूपक के रूप में वर्णन किए, अलंकारिक भाषा में रूपक स्थापित करके वर्णन किए, एक बनिया का रूपक दिए। जैसे बनिया जंगल में जाता है और उसे बहुत बहुत प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है, वैसे ही यह संसार का मार्ग है। फिर वर्णन करके कि इसको तुम पार करो भगवान की कृपा से। लेकिन परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए कि आप जो रास्ते का वर्णन किए तो ये तो आर्ज मनीषित कल्पित है, ये तो विद्वानों के बुद्धि द्वारा रचित है, उनको तो समझने में कठिनाई नहीं है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। तो वास्तव में इस अध्याय में उसी मार्ग का, भवाटवी का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जो उसमें शब्द का प्रयोग किए, जैसे बनिया का प्रयोग किए, डंस का प्रयोग किए, चोर का प्रयोग किए, तो ये सब हैं क्या हमारे एक्चुअल जीवन में। तो यह अध्याय सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पीछे जो जड भरत जी की उक्ति है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भवाटवी कैसा है इसका वर्णन किया जा रहा है, इसको स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। भवाटवी का वर्णन बहुत दिन से चल रहा है, एक भक्त पूछ रहे थे कि भागवत में भवाटवी का ही वर्णन है, वृंदाटवी का नहीं है कि वृंदाटवी का भी बहुत वर्णन है, लेकिन जब अवसर आएगा तो वृंदाटवी का भी वर्णन किया जा सकता है, अभी तो भवाटवी का वर्णन चल रहा है। तो इसी को वक्ता लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक चीज है ध्यान देने की है, एक बात ध्यान देने की है कि आज का जो गद्य है तो भवाटवी का वर्णन नहीं है, उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अवसर पा करके भवाटवी पर संसार के मार्ग पर एक टिप्पणी है, एक कमेंट है, इतना अंतर समझना चाहिए। रोज तो हम लोग भवाटवी का वर्णन सुन रहे थे, लेकिन आज भवाटवी पर सुखदेव गोस्वामी का कमेंट है। कल आप लोग सुन रहे थे कई गद्य में वर्णन भवाटवी का, लेकिन जो 22 नंबर का गद्य था उसमें कहा गया है कि इस मार्ग में काम मधु विचिन्वन, कभी कभी व्यक्ति भोग के लोभ में, जैसे मधु बहुत मीठा लगता है, तो जो भवाटवी में पड़ गया है तो उसको भोग ही मीठा लगता है, और उस भोग मधु को अपने हाथ में करने के लिए, उसके चयन करने में कभी कभी वह विकर्म करता है। विकर्म का अर्थ है कि भोग प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के धन को चुरा लेता है, या किसी दूसरे के पत्नी पर कब्जा करना चाहता है, तो इस प्रकार का विकर्म करता है। लेकिन विकर्म करेगा उसको दंड मिलेगा, कह रहे हैं राज्ञा, एक तो राजा दंड देता है, राजा भी दे सकता है, और गृहपतिना वा या गृह का स्वामी उसको दंड देगा। कभी कभी तो चोर घर में घुस जाते हैं, माल भी अपने हाथ में लिए तब तक ऊपर से पिटाई हो जाती, कभी कभी तो गोली लग जाता है, या किसी स्त्री के फेरे में है तो सरकार भी दंड दे सकती है, और नहीं तो उसका पति भी दंड दे सकता है। तो यहाँ दंड सहना पड़ता है,
तो यहाँ भी दंड सहना पड़ेगा, जेल में चले जाएंगे या मार खा करके हॉस्पिटल में जाएंगे, और इतना ही समाप्त नहीं हो गया, फिर नरक में भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो इसी बात पर अब ये टिप्पणी दे रहे हैं कि अथ तस्मात् उभयथापि कर्मस्मिन् आत्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। कह रहे हैं कि उभयथा, उभय मतलब दो होता है, उभयथा मतलब दोनों प्रकार से। भाई दोनों प्रकार का क्या अर्थ है कि यहाँ राजा या गृहस्वामी के द्वारा भी दुर्गति होती है और अगले मैंने मृत्यु के बाद नरक में भी दुर्गति होती है, दो जगह दुर्गति हो रही है ना, कर्म कर रहे हैं तो यहाँ भी दुर्गति है और आगे भी दुर्गति है। तो यह उभयथा का है एक अर्थ है। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे पीछे वर्णन किया गया कि कभी कभी आदमी भोग के फेरे में पड़ करके, काम मधु के फेरे में पड़ करके विकर्म कर देता है, कोई कोई तर्क करेगा अरे सब चोरी छमारी ही कर रहा है, हम तो प्रवृत्ति मार्ग में हैं लेकिन ईमानदारी से खा रहे हैं, बहुत लोग चोरी छमारी नहीं करते हैं, बहुत सदाचार का जीवन कर कर जीते हैं। तो ऐसा प्रश्न उठाए तो उस पर भी कह रहे हैं अरे सदाचार का जीवन जीवो या दुराचार का जीवन, उभयथा दोनों स्थिति में, भवाटवी में है कर्म मार्ग में है, तो चाहे दुराचार का जीवन जिए या सदाचार का जीवन जिए, इसी को उभयता कह रहे हैं। कर्मस्मिन आत्मना संसारावपनम उदाहरन्ति, चाहे सदाचार में रहिए या दुराचार में रहिए, कर्म कर रहे हैं तो उसको आत्मन आत्मा का खेत कहा गया है। आत्मन संसारावपनम, ये आत्मा के लिए संसार का खेत कहा गया है, इससे कर्म मार्ग को समझ रहे हैं ना। उभयता का, उभयथा का दो तरह से अर्थ किया गया है, ईस्ट लोक और परलोक के अर्थ में, या दूसरे ढंग से अर्थ करें तो चाहे कुकर्म करें या सुकर्म करें बहुत अंतर नहीं है, दोनों का फल होगा कि संसार में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु के संस्कृति में जाना ही पड़ेगा। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि दोनों तरह से, चाहे सत्कर्म कीजिए या दुष्कर्म कीजिए, ये जो कर्म का मार्ग है और इसको संसार वपनम उदाहरण दे आ वपनम, वपन मतलब बोना होता है, जहाँ बीज को बोया जाता है उसको आवपनम कहा जाएगा, खेत। तो जो कर्म का मार्ग है संसार के लिए खेत है। अब एक खेत में बीज डालेंगे तो कुछ तो पौधा उग ही आएगा, कुछ फल प्राप्त होगा। तो उसी तरह कर्म करेंगे तो संसार बंधन जरूरी ही होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो हो सकता है कि स्वर्ग में चले जाए, लेकिन वो भी तो बंधन ही है ना। चाहे कोई लोहा के रस्सी से बांध दे या सोना के रस्सी से बांध दे, बंधन तो है ही है। अब किसी को सोना के जंजीर से बांध दिया जाए कि यही रहना है नहीं जाना है, तो उसको प्रसन्नता नहीं हुई, सोने का जंजीर होने से क्या हुआ। कुछ कुछ मूर्ख लोग हैं क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। भोजपुरी का एक कहावत है, मरलस लेकिन लाल जूता से। अरे लाल जूता से मारे या काला जूता से मारे, लेकिन वो अपना गौरव व्यक्त कर रहा है, डिफेंस व्यक्त कर रहा है, मरलक लेकिन लाल जूता से। तो सुखदेव गोस्वामी इस भवाटवी के पंथ में जो पड़े हुए हैं, कर्म मार्ग में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं कि चाहे सत्कर्म कीजिए या दुष्कर्म कीजिए, दोनों तरह से यह संसार बंधन का खेत है। और इसी से व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त होना है, संस्कृति से मुक्त होना है, तो अपने सारे कर्म को
भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब भगवान को अपने कर्म को अर्पित करते हैं तो उससे बंधन नहीं लगता। श्रील प्रभुपाद जी गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्ञ होषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, या जो भी तपस्या कर रहे हैं, तत् कुरुष्व मदर्पणम, हे कुंती पुत्र उसको मुझको अर्पित करो। यदि दुष्कर्म नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो जेल का दंड और दंड से तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्कर्म करने से, अच्छा अच्छा कार्य करने से सब प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लोहे की डोरी नहीं लगेगी, लेकिन सोने की डोरी लग जाएगी, तो उससे भी मुक्त होना है तो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करना होता है। तो खूब तपस्या कीजिए, दान दीजिए, सात्विक के पदार्थ बना करके भोजन कीजिए, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो बंधन लगेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। यह इस श्लोक में कहा गया। वास्तव में एक प्रश्न पूछते हैं लोग कि भवाटवी का क्यों वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में वैराग्य के दृढ़ता के लिए इस भवाटवी का वर्णन किया गया। इस वर्णन को सुन करके अपनी स्थिति को समझना चाहिए और भवाटवी से दूर होने का प्रयास करना चाहिए, इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। और एक भक्त हमसे पूछ रहे थे, हमको तो हंसी आ रही थी, पूछ रहे थे कि भागवत में वृंदाटवी का वर्णन नहीं है, तो कहे कि बहुत वर्णन है, श्रीमद्भागवतम में अनेक जगह वृंदाटवी का वर्णन है। और वे जो पूछ रहे थे, इस अर्थ में उनका प्रश्न रेलेवेंट भी है कि जब दोनों चीज़ का पैरेलल वर्णन किया जाता है तो आदमी को थोड़ा सुविधा होती है कंपेरिजन करने में। और आप घटना जानते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान के लीला को देख करके। कुछ लोग कहते हैं कि मोह हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान के और लीला देखने के लिए, मंजू महिमा को देखने के लिए वे ड्रामा किए, बछड़ा चुरा लिए। तो चाहे जो हो, जिस दृष्टि से किए हों, बछड़ा तो चुराए, वो भगवान भी उनको उसी ढंग से खूब खूब नचाए। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा करके और उनको माया के सैया पर सुला करके आए, थोड़ा देखने के लिए कि अच्छा अब भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान तो खोजने लगे और फिर ग्वाल वालों को भी चुरा लिए, उनको भी सुला दिए। फिर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि अच्छा अब तो काम कर दिए, अब थोड़ा अपना ऑफिस देख करके आए, तो वहाँ क्या हो रहा है। तो अब इधर लीला देख रहे थे, लेकिन सबसे बड़े मैनेजर हैं, मैनेजर को कुछ ऑफिस का काम भी देखना होता है। तो अपने ऑफिस में गए तो वहाँ द्वारपाल लोग थे, तो कहे कि ना 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 अभी नहीं जा सकते, अभी उधर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी कहे क्या, स्वामी का आज्ञा है कि अभी किसी को मत आने देना। कह रहे मैं ही स्वामी हूँ। ना नहीं, स्वामी तो अंदर बैठे हैं, आप स्वामी नहीं हैं। वे कहने लगे मैं ब्रह्मा हूँ, हमारा ऑफिस है। अरे आप जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा है, यहाँ खड़ा रहिए, अभी नहीं प्रवेश कर सकते, मना किया गया। अब तो ब्रह्मा जी का हक्का बक्का, अरे
और कहे कि जब ठीक है जाने मत दो, हम लोग कह रहे हो कि स्वामी बैठे हैं अंदर, हमको विश्वास नहीं हो रहा, थोड़ा देख लेने दो, झांक करके थोड़ा देख लेता। और ब्रह्मा जी थोड़ा झांक करके देखे, वास्तव में ब्रह्मा वहाँ बैठे हुए हैं। अब तो उनका माथा ठनका, अब वहाँ से बड़ी तेजी से इधर आए, फिर जहाँ भगवान लीला कर रहे थे तो वहाँ देखे तो भगवान वैसे ही ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, बछड़े भी सब हैं। अब उनको संशय हुआ कि मैं जहाँ सुला कर सुलाया था वहाँ से सब भाग करके आ गए क्या, तो दौड़ करके वहाँ देखने गए और देखे कि वहाँ वैसे सोए हुए हैं। अब फिर दौड़ करके आए, अब उनको तो इतना तो पता हो गया ये भाई एक तो डुप्लीकेट माल है लेकिन कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है अब इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। उनको संशय होने लगा कि हम जो सिलाए हैं ऐसा ही कोई सुला दिया, ओरिजिनल लेकर के चला गया क्या, ये क्या हुआ। तो बहुत परेशान थे, लेकिन अब भगवान अपनी माया को हटाए, वे बहुत इधर उधर थे, बहुत परेशान थे, तो भगवान अपने माया को उनके नेत्र से हटा दिए। तब उनको वृंदावन का दर्शन हुआ। तो करें कि वृंदावनम जनाजीव्यम द्रुमाकीर्णम समाप्रियम, जैसे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी और सुखदेव गोस्वामी उसका चित्रण कर रहे हैं, तो देखे वृंदावटवी को देखे वृंदावनम, तो क्या देख रहे हैं, जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण, ये जो वृंदावन है वृक्षों से भरा हुआ, वृक्षों के लिए शब्द दे रहे हैं जनाजीव्य, जन का आजीव्य, आजीव्य मतलब जीविका, जिससे जीवन चले उसको आजीव्य कहते हैं। तो वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं तो वृक्षों से भरा हुआ, वृक्षों का विशेषण दे रहे हैं कि जो लोगों के जीविका का साधन है, व्यक्ति वृक्ष से फल प्राप्त करता है, पत्ता प्राप्त करता है, औषधि प्राप्त करता है, काष्ठ प्राप्त करता है, तो जीवन जीने में बहुत सुविधा है। तो वृक्षों को मनुष्य का आजीव्य कह रहे हैं, जीविका कह रहे हैं, और देख रहे हैं कि मनुष्यों को जो जीविका है तो उससे वृंदावन आकीर्ण है, भरा हुआ है। और समाप्रियम वर्णन कर रहे हैं, समाप्रियम इस शब्द का बहुत बहुत अर्थ किया गया है। समाप्रियम, सम आ प्रियम, तो ये वृक्षों का विशेषण ही है जो भगवान को बहुत प्रिय है। वृंदावन के वृक्ष हैं भगवान को बहुत प्रिय है, या ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय लग रहे हैं, या समाप्रियम का अर्थ है कि वृक्षों को देखे, निकुंज को देखे और माँ मतलब लक्ष्मी या राधा, दोनों अर्थ होता है। तो माँ प्रियम सौ, साथ में है राधा रानी की जो प्रियाएँ हैं, सखियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, उनका भी दर्शन किए। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं और वृंदावन के एक विशेषता का अनुभव कर रहे हैं कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नृ मृगादय, वे वृंदावन का अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ नैसर्ग दुर्वैरा, जिनको जन्म से स्वभाव से जिन प्राणियों में बहुत कट्टर विरोध है, जैसे कुछ कुछ प्राणी में भारी विरोध है, जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य को कोई बाघ देख ले नज़दीक में पा जाए तो उसको सीधे खा जाएगा, कोई बिल्ली है और चूहा है तो दोनों मित्र नहीं हैं, चूहा के देखते ही बिल्ली खा जाएगी, वे अलग प्रकृति के हैं और उनमें निसर्ग से बैर है। लेकिन वृंदावन की विशेषता कर रहे यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नृ मृगादय, वो वृक्ष देख रहे हैं
और सहचरियाँ देख रही, गाय देख रहे हैं, इसके साथ देख रहे हैं कि वृंदावन के जो प्राणी हैं आपस में बैर रहता है, वे एक साथ हैं। नृमृगादय मनुष्य और बाघ या बाघ और हरि एक साथ हैं, ये वृंदावन की विशेषता। मित्राणि इव एकदम मित्र जैसा, जो निसर्ग से शत्रु भाव रखने वाले हैं वे भी वृंदावन में मित्र भाव से एक जैसे एक साथ हैं। भाई ऐसा प्रभाव क्यों है? अजितावास यह ऐसा है क्योंकि भगवान अजित का निवास है, वृंदावन का घर है, और भगवान का घर होने से द्रुत रुट तर्श कादिकम, ये भगवान के धाम की विशेषता, उनके घर की विशेषता के द्रुत यहाँ से पलायित हो जाता है। क्या क्या? रुट तर्श कादिकम, क्रोध और लोभ यहाँ से दूर भाग जाता है। भगवान का निवास होने से यहाँ लोभ और क्रोध का स्थान नहीं है, ये दूर भाग गया है। और इसी से जो शत्रु भाव रखने वाले प्राणी हैं वे भी मित्र भाव से यहाँ उपस्थित हैं, और केवल मित्र भाव से उपस्थित ही नहीं है, वास्तव में वृंदावन की विशेषता है कि सब भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन को भगवान बहुत पसंद करते हैं, ऐसा लिखा गया है कि जब महावन से वृंदावन में आए तो वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च विक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निरपर। भगवान जेव ही देखे, क्या देखे? वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च, वे वृंदावन को देखे, गोवर्धन को देखे, जमुना के पुलिन को देखे, तो कह रहे हैं ये विक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निरपर। माधवयो जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सारे संपदा से युक्त है, उनको भी वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके, जमुना के पुलिन का दर्शन करके ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जैसा कभी आनंद नहीं प्राप्त हुआ। उत्तमा प्रीति, सबसे श्रेष्ठ प्रसन्नता भगवान को हो रही है, आनंद का अनुभव कर रहे वृंदावन का दर्शन करके। तो ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि वृंदावन के एक एक प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं। स्वाभाविक ही जब व्यक्ति अपने प्रेमियों के बीच में होता है तो आनंद अनुभव करता है, और वृंदावन के एक एक प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं। आप गोचारण लीला में सुनते हैं ये जैव ही भगवान पसव्य माविशत, वृंदावन जो पशुओं के लिए बहुत हितकारी है, इस वृंदावन में प्रवेश किए, और जो प्राणियों का व्यवहार है और उसका भगवान प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और उनको ज्ञापन देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए एक ड्रामा कर रहे हैं, एक बहाना कर रहे हैं। वास्तव में सब प्रेम कर रहे हैं भगवान से, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और भगवान को यह व्यक्त करना था कि आपके प्रेम को मैं समझ रहा हूँ, आपके सेवा को स्वीकार कर रहा। तो बलराम जी का बहाना लेकर के कहने लगे, अहो देव मरा बरा, अहो अमी देव बरा मराम बुजम पादाम बुजम ते सुमन फलार हरम। वे बलराम जी से कह रहे हैं कि हे भैया देखिए, अहो अमी ये जो वृक्ष हैं वो आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। अहो अमी देव बराम अमराम, देव बराम वे कह रहे हैं कि अहो अमी देववर, हे देववर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, जिन आपके चरणों की आराधना देवता लोग करते हैं, और उसी चरणों की आराधना ये वृक्ष करते हैं, उसमें नमस्कार कर रहे हैं। नमंत उपादाय शिखाभिरात्मन तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम। वे पूजा की सामग्री अपने मस्तक पर ले करके और आपके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और भेंट अर्पित कर रहे हैं। जैसे
व्यक्ति को कोई महती पूजा करनी है, बड़ा पूजा का आयोजन है, तो व्यक्ति कई एक सामग्री लेकर के जाता है, बड़े बड़े टोकरी में सामग्री भर जाता है। बहुत फल अर्पित करना है, फूल अर्पित करना है, तो हाथ में तो ले नहीं जा सकते, तो उसको टोकरी में लेकर के जाते हैं। खास करके हम लोग देखे हैं जब भगवान सूर्य की पूजा करती हैं स्त्रियां, तो बड़े बड़े टोकरी में क्या क्या सामग्री लेकर के जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे बलराम जी, हे भैया, देखिए जिन चरणों की पूजा बड़े बड़े देवता करते हैं, तो वृंदावन के वृक्ष भी आपको नमस्कार कर रहे हैं और पूजा की भेंट अर्पित कर रहे हैं। नमंत उपादाय शिखा विरात्मन, अपने मस्तक से अर्हणम उपादाय, फूल और फल लेकर के नमंती आपको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। इनके मन में एक आशय है, एक लालसा से आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको भेंट अर्पित कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। वे क्या लालसा है? वो कह रहे हैं कि तमोपहत्य, वे अपना बंधन दूर करना चाहते। तरुजन्म यत्कृत, क्योंकि उनको वृक्ष की योनि प्राप्त हो गई। लीला की दृष्टि से देखा जाए, वो भगवान कह रहे हैं कि हे बलराम जी, इनके मन में एक ग्लानी है। वृक्ष का योनि बंधन का माना जाता है, लेकिन वृंदावन के जो वृक्ष है उन पर तमोगुण का बंधन नहीं है, उनका बंधन दूसरे ढंग का। वे अनुभव कर रहे हैं कि जो दूसरे प्राणी हैं, जो चर प्राणी हैं, तो भगवान के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। भगवान चल रहे हैं तो जो पक्षी हैं, भौरे हैं, तो वे तो भगवान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वृक्षों का एक बंधन है। नज़दीक आए भगवान तो उनको नमस्कार किए, भेंट अर्पित किए, लेकिन भगवान के साथ आगे नहीं जा सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि तमोपहत्य, इसी अपने बंधन को दूर करने के लिए ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान एक नॉलेजमेंट दे रहे, ज्ञापन दे रहे हैं, वृक्षों को सुना रहे हैं कि तुम्हारे भावना को हम समझ रहे हैं, तुम्हारे मन में क्या भावना है, क्या विचार है, उसको मैं समझ रहा हूँ। केवल बाहर से आप नमस्कार कर रहे हैं और फल फूल अर्पित कर रहे हैं, इसी को नहीं देख रहा हूँ, आपके मन में जो भावना है उसको भी समझ रहा हूँ, और एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि बंधन आपका दूर होगा, आपको भी अवसर मिलेगा हमारे साथ चलने के लिए। तो ऐसे वृंदावन के वृक्षों का व्यवहार है, और भगवान ने एक एक प्राणियों के व्यवहार पर विचार कर रहे हैं। भौरों के लिए कह रहे हैं एते निलस, ये जो अनिल भौरे हैं तो आपके जस को गाते हुए चल रहे हैं, वास्तव में भवदीय मुखिया, ये आपके जनों में मुख्य हैं, ये आपके बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन आप जब छिप करके मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किए तो वे भी छिप करके भौरे के रूप में आकर के आपका गुणगान कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि वृंदावन के एक एक प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं, और वृंदावन का ऐसा स्वरूप है कि बस इसका सान्निध्य प्राप्त हो गया और उसी से अमृत का आस्वादन है। अब मैंने ये तो भवाटवी और वृंदाटवी का तुलना करने में भी लज्जा का अनुभव हो रहा है। अब वृंदाटवी का वर्णन करते समय तो वृंदाटवी का वर्णन करते समय भवाटवी का स्मरण करना भी बहुत भारी पड़ता है, लेकिन अब वो भक्त कह रहे थे कि वृंदाटवी का नहीं वर्णन है, है कि बहुत वर्णन है। और इसमें कह रहे हैं कि जो भौंरे हैं तो अभी छिप करके आपका गुणगान कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था वृंदावन का ऐसा स्वरूप है कि बस यहाँ के सान्निध्य मात्र से एक रस का अनुभव होता है।
अब भवाटवी में जहाँ एक एक क्रिया बंधन का कारण है, यहाँ तो एक एक चीज मुक्ति का कारण है, यह कहने में तो सिद्धांत का हनन हो जाएगा। यहाँ की यह स्थिति है कि मुक्ति गौण चीज हो जाता है। और प्रबोधानंद जी कहते हैं एक श्लोक में कि वृंदानि सर्व महताम, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरात। कह रहे हैं कि देखो भाई, जिस चीज में तुमको महत्व बुद्धि है, अब आप लिस्ट लंबा बना सकते हैं, कोई साधन है, तपस्या है, जप है, तप है, जिसमें आपको महत्व बुद्धि है, करें कि एक एक की बात नहीं, पूरा ग्रुप को, सेट को, वृंदानि सर्व महता, जहाँ आपकी महत्व बुद्धि है, अब आप जाने कहाँ कहाँ महत्व है, सबको त्याग करके वृंदानि सर्व महता अब आय दूर है, एकदम दूर से, कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, बस सबको छोड़ करके वृंदाटवी अनुसर प्रणय न चेत, हे मन तुम वृंदावन में चलो, उसका अनुसरण करो, प्रण न, अब महत्व पर विचार मत करो, कोई इसमें छानबीन मत करो, बस स्वाभाविक रूप से वृंदावन के तरफ बढ़ो। अरे भाई कुछ तो बतलाएंगे, क्यों हम वहाँ जाएं। कह रहे हैं कि यहाँ वृंदावन में दिव्य निधान मस्ती, बहुत भारी एक खजाना है। अब यही समझो कि यहाँ बहुत भारी खजाना है, भी वो क्या खजाना है, सत्तारणी कृत, जो सज्जन पुरुष हैं या वृंदावन के प्रेमी हैं, तो तारणी कृत उनके बंधन को मुक्त करने के लिए स्वभाव सुंदर भक्ति है। यह भाव मतलब भक्ति, सुंदर भक्ति, ऐसी भक्ति है कि अब तरने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है तो भोजन करता है, पचाने की चिंता नहीं करता है, फिर दोबारा भोजन बनाने की चिंता करता है। तो भक्ति की विशेषता है कि सारे बंधन को वैसे जला देती है, निगीर्ण अनलम जता, जैसे भोजन को पेट में डाल दिए तो जठरानल उसको ध्वस्त कर देता है। तो वैसे ही भक्ति सत्तारिणी कृत, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वभाव सुंदर भक्ति और सुधा रसौघम, यानी कि ये भक्ति और उच्चतर अवस्था को प्राप्त होती है तो सुधा रसौघम अमृत स्वरूप है, परम आस्वाद्य है, परम प्रभावशाली है, और औघम इसका बाढ़ है, इसकी धारा है, सहज यहाँ फैल रही है। तो राधा विधा जिसका नाम है राधा रानी, तो वे दिव्य निधि, दिव्य खजाना यहाँ है। तो बस एक कारण काफ़ी है, अब कुछ मत विचार करो, यहाँ राधा रानी का निवास है और उनके भक्ति का प्रभाव है कि सारा बंधन दूर हो जाता है, ऐसा रस का अनुभव होता है जो और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हे मन, और सारे महत्व बुद्धि को छोड़ करके कहीं महत्व बुद्धि मत रखो, सहज रूप से तुम वृंदावन में आ जा, एक काम कर, यह सहज ही रस की अनुभूति। तो वृंदावन का यह स्वरूप है कि यहाँ बंधन से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना, वो तो स्वतः हो जाता है, कब हो जाता है इसका पता ही नहीं। तो हम यह कह रहे थे कि श्रीमद्भागवतम में केवल भवाटवी का ही वर्णन नहीं है, वृंदाटवी का भी वर्णन है, लेकिन जब इसका अवसर आएगा तब इसका वर्णन किया जाएगा। अभी भवाटवी से थोड़ा निकलेंगे, हे बुद्धि करेंगे, तभी वृंदावन में प्रवेश होगा। और भवाटवी का वर्णन इस वैराग्य के लिए किया जा रहा, इसमें हे बुद्धि करने के लिए, एक में मन में विचार तो आवे कि इसका त्याग करना। तो इस प्रकार इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दे रहे हैं कि भवाटवी का ऐसा स्वरूप है कि चाहे अच्छा कार्य कीजिए या बुरा कार्य कीजिए, बंधन लगेगा। या दूसरे ढंग से कि इसका ऐसा स्वभाव है कि बुरा कार्य लोभ में व्यक्ति कर ही देता है,
तो यहाँ भी दंड भोगना पड़ता है और आगे के जीवन में भी दंड भोगना पड़ता है। यह भवाटवी का स्वरूप है। हरे कृष्णा।